Okay. मजा आया। सो हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो पर। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे इजी ईएमपी ओनली रेड नंबर हेडशॉट ट्रिक बताऊंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। देखो आज का वीडियो छोटा है, प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आप लोगों को जो जो सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा ना, आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो ईएमपी गॉड बन जाओगे और आप लोग बहुत ही इजिली ओपोनेंट एनिमी को ओनली रेड नंबर हेडशॉट दे पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी चैनल में पहली बार आ रहे हो ना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो देखो इस वीडियो में आप लोग 5 के लाइक्स कंप्लीट करवा दोगे तो नेक्स्ट ईएमपी गन का ओनली रेड नंबर हेडशॉट ट्रिक के वीडियो मैं हैंडकैम के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो टिप नंबर 1, सेंसिटिविटी सेटिंग। देखो आप लोगों को सेंसिटिविटी में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बस आप लोगों को जनरल एंड रेड डॉट सेंसिटिविटी को 100 कर देना है और ये 2Scope 4Scope सेंसिटिविटी को आप लोग जितना मर्जी चाहे रखो, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को इजी ड्रैग हेडशॉट या ओनली रेड नंबर हेडशॉट लगाना है, जस्ट आप लोगों को जनरल एंड रेड डॉट सेंसिटिविटी को 100 कर देना है। टिप नंबर 2, बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन। देखो सबसे पहले आप लोगों को एक सीक्रेट ट्रिक दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। आप लोग फायर बटन नीचे रख के इजिली ओनली रेड नंबर हेडशॉट लगा सकते हो और फायर बटन थोड़ा ऊपर रख के इजिली ओनली रेड नंबर हेडशॉट लगा सकते हो। देखो फायर बटन थोड़ा ऊपर एंड नीचे रखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग फायर बटन दोनों प्लेसमेंट में रख के रेड नंबर्स लगा पाओगे। बस आप लोगों को हमेशा एक चीज याद रखना है, आपका फायर बटन पोजीशन नीचे है तो आपको स्पीड से ड्रैग करना है और आपका फायर बटन थोड़ा ऊपर है तो आपको स्लो से ड्रैग करना है, ओपोनेंट एनिमी को इजीली ओनली रेड नंबर्स लगा पाओगे। और फायर बटन साइज की बात करें, आप लोगों को फायर बटन साइज ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, ज्यादा छोटा नहीं रखना है, आप लोगों को फायर बटन साइज मीडियम रखना है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा फायर बटन साइज 45 से 60 के बीच में रखना। और वीडियो पर बहुत कमेंट्स आता है, भाई आपका फायर बटन साइज कितना है? देखो मेरा फायर बटन साइज है 48, आप लोग चाहो तो यूज कर सकते हो, वो आप लोगों की मर्जी। टिप नंबर 3, स्टैंड फायर। आप लोगों को ये जो स्टैंड फायर ट्रिक बताने वाला हूँ ना, हर एक प्रो प्लेयर यूज करता है और इसी ट्रिक के लिए वो प्लेयर्स ओपोनेंट एनिमी को इजिली ओनली रेड नंबर हेडशॉट लगा पाता है। तो ये ट्रिक को आप लोग ध्यान से देखो, आप लोगों में से काफी सारे प्लेयर्स एक छोटा सा गलती करते हो, फायर बटन को ड्रैग करते समय जॉयस्टिक बटन को यूज करते रहते हो, इसी वजह से आपके ईएमपी गन्स बहुत ज्यादा रिकॉइल होता है। आपके सामने कोई एनिमी है, आप लोग जॉयस्टिक यूज करके फर्स्ट एम सेट करो, नहीं तो जॉयस्टिक यूज करके आपके कैरेक्टर को इधर उधर घुमा सकते हो। बस जिस समय आप लोग फायर करोगे ना, जॉयस्टिक के ऊपर बिल्कुल भी टच नहीं करना, इससे क्या होगा आप लोगों के गन में रिकॉइल नहीं होगा और गन में रिकॉइल नहीं होगा तो आप लोग इजिली ओपोनेंट एनिमी को ओनली रेड नंबर हेडशॉट लगा पाओगे, एक भी बुलेट मिस नहीं होगा। बस ये जो जो ट्रिक बताया अच्छे से देखने के बाद आपके गेम प्ले में अप्लाई करो, पहले से आपके गेम प्ले में बहुत चेंजेस देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।